नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज बिहार झारखंड। 21 जनवरी गुरुवार, खबर दिन भर में स्वागत है आपका। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। वेब सीरीज स्टैंडअप को लेकर भड़के चिराग पासवान, बोले समाज को बांटने वाला है कंटेंट। झारखंड में कांग्रेसी नेताओं में भाषण को लेकर हुआ विवाद, जमकर चले लात घूंसे। झारखंड में स्पीकर से बीजेपी विधायक ने की प्रदीप यादव, बंधु टर्की की सदस्यता रद्द करने की मांग। रिम्स करेगा कोरोना वैक्सीन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट पर रिसर्च। गया के पगु नदी में बनेगा राज्य का पहला रबर डैम, पानी की होगी सुविधा। अब खबरें विस्तार से। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने वेब सीरीज स्टैंडअप को समाज को तोड़ने और बरगलाने वाला बताते हुए उन लोगों का समर्थन किया है जो स्टैंडअप के खिलाफ मुकदमा और विरोध कर रहे हैं। साथ ही कहा कि स्टैंडअप जैसी वेब सीरीज जिससे समाज को तोड़ने की बात हो, उसे कहीं से उचित नहीं माना जा सकता। वेब सीरीज स्टैंडअप में किसी धर्म और उसके देवी देवताओं को किस तरह से उपहास दिखाया गया है, उसका उनकी पार्टी लोजपा विरोध करती है। झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेसियों ने कार्यालय परिसर को रणक्षेत्र में तब्दील कर दिया। दरअसल मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर परियोजना कार्यालय में धरना दे रहे थे। इसी दौरान कांग्रेसी भाषण देने का मौका नहीं मिलने पर विवाद हो गया और नेता आपस में ही भिड़ गए। दो गुटों में बटे कांग्रेसियों के बीच जमकर गाली गलौच और मारपीट हुई। इस घटना में कांग्रेस नेता श्याम सिंह घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें अस्पताल भेजकर इलाज करवाया। इस मामले में दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर गाली गलौच और मारपीट की FIR दर्ज कराने का आवेदन किया गया है। झारखंड की सियासत दल बदल कानून को लेकर गर्म है। बीजेपी के विधायक बाबूलाल मरांडी के दल बदल का मामला कोर्ट में है। वहीं अब बीजेपी के विधायक समीर लाल ने भी कांग्रेस के दो विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। समीर लाल ने विधायक प्रदीप यादव और बिंदु टिकरी पर दल बदल कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। देश भर में 16 जनवरी से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन अभियान में राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स कोरोना वैक्सीन के लॉन्ग टर्म प्रभाव का रिसर्च करेगा। रिम्स निदेशक की माने तो रिम्स के अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से भी कोरोना वैक्सीन का मानव मस्तिष्क पर प्रभाव को लेकर एक रिसर्च की बात हो रही है। कोरोना जितना विज्ञान जगत के लिए नया है, उतना ही नया कोरोना का वैक्सीन है। कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल के तहत देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। ऐसे में देश के कई मेडिकल संस्थानों के साथ साथ झारखंड का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट रिम्स भी कोरोना वैक्सीन के दूरगामी प्रभाव पर रिसर्च करेगा। धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी गया की पगु नदी में राज्य का पहला रबर डैम बनने का काम शुरू होने वाला है। इस डैम के बनने के बाद मोक्ष नगरी के रूप में प्रसिद्ध गया के पगु नदी में अपने पूर्वजों का पिंड दान करने आने वाले पिंडदानियों को अब पानी की समस्या दूर हो जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस डैम को बनने के बाद यहाँ से 2 से 3 मीटर दूर तक पानी रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस रबर डैम की कल्पना की थी, जिसका काम अब शुरू होने वाला है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।